दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में मैं हूँ आज, इसका नाम बिलिंगडन हॉस्पिटल है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिलिंगडन नाम से लखनऊ में कौन सा हॉस्पिटल है, तो जी हाँ, ब्रिटिश काल में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो अब आयुर्विज्ञान संस्थान बन गया है, ये वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसको बिलिंगडन हॉस्पिटल कहते थे। तो मैं आज संस्थान में, इसमें पढ़ाई भी होती है और सारी चीज़ें, इसमें पढ़ाई भी, ट्रेनिंग, सारी चीज़ें होती हैं इस हॉस्पिटल में। और भारत सरकार के नियंत्रण में आज़ादी के बाद से ये हॉस्पिटल आ गया और तब से इसका 2006 में इसका एक बृहद रूप में इसकी स्थापना की गई और इसको बनाया गया। इसकी स्थापना हुई, इसको बनाया गया, इसका ही फर्स्ट गेट है। और देखिए, ये मायावती उत्तर प्रदेश के करकमलों द्वारा, ये देखिए 9 अक्टूबर 2008 को संपन्न हुआ, इसका लोकार्पण हुआ इंस्टीट्यूट का। ये राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है, इसमें पढ़ाई, ट्रेनिंग, सारी चीज़ें होती हैं। ये इसका फ्रंट गेट है, यहीं से एंट्री का गेट है। मैं इस ब्लॉक में आज आपको सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कहाँ से नंबर लगाया जाता है, जब आप पहली बार आएंगे तो नंबर कहाँ से लगता है और कैसे नंबर लगाते हैं। अब ये देखिए, आगे मैं चल रहा हूँ प्रशासनिक भवन की तरफ। मेरे लेफ्ट साइड में ये छात्रावास है, ये एक देखिए, ये छात्र लेफ्ट साइड में ये स्विफ्ट खड़ी है, इसके बगल में सामने देखिए ये है, ये देखिए पद्मश्री SCR करके ये छात्रावास है। ये देखिए भारत सरकार के द्वारा लोकार्पण इसका भी हुआ है। और अब मैं चलता हूँ प्रशासनिक भवन की तरफ। ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल का प्रशासनिक भवन है, ये मेरे लेफ्ट साइड में प्रशासनिक भवन है। और ये अकोलाजी भवन, मैं आज बाहर से आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब आप देखिए मेरे सामने, मैं बाहर बाहर से लोहिया के एकदम बाहर बाहर से चल रहा हूँ, संस्थान इंस्टीट्यूट के बाहर से। ये देखिए काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बनाया गया है, ये काफ़ी साफ़ सफाई और क्लीननेस रहती है यहाँ पे, आपको मिलेंगे, आप आएंगे, खुद आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, आप देखे होंगे कि काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पे। जो नहीं आए हैं वो आएंगे कभी तो देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल के क्षेत्र में है ये। अब देखिए, तो अकोलाजी भवन से आगे चलने के बाद में आप पहुँचेंगे गेट नंबर 3 के पास। ये गेट नंबर 3 है, मेरे सामने अभी आएगा, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है गेट नंबर 3। यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जब ये खुला हो तब, दोस्तों जब ये खुला हो तो आप यहाँ से भी बाहर निकल सकते। इसके बगल वाशरूम है, आप नहा सकते हैं, आप सब कुछ यहाँ पे, आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गेट नंबर 3 के आगे चलेंगे, तो गेट नंबर 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेरे सामने देखिए, ये गेट नंबर 3 के सामने, ये अंदर जाने का हॉस्पिटल गेट नंबर 2 से रास्ता है यहाँ का, वो गेट नंबर 3 का रास्ता है ये। अब देखिए गेट नंबर 3 से आप सुबह आ करके यहाँ से अपना नंबर लगा सकते हैं, जो कि आपको भीड़ नहीं रहेगी, हर गेट पर भीड़ रहती है, लेकिन गेट नंबर 3 से आप अगर आप एंट्री करते हैं यहाँ से, तो आप 3 से एंट्री करते हैं तो आप अंदर जा करके यहाँ से नंबर लगा सकते हैं। दोस्तों आप 2 पर भी नंबर लगा सकते हैं, 3 पर भी नंबर लगता है, लेकिन 3 पर अगर आप आएंगे सुबह तो यहाँ भीड़ बहुत कम रहती है। और देखिए सीधा 3 से अंदर होंगे तो 3 काउंटर देखिए दिख रहे, चौथा भी है लेकिन 3 दिख रहा है। यहाँ पहले पे नए पेशेंट के मरीज का मतलब कार्ड मिलता है और दूसरे पे पुराने का टोकन लिया जाता है। तीसरे नंबर काउंटर पे आपको यहाँ पे तीसरे काउंटर पे बिलिंग होती है। तो तीनों काउंटर मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं बाहर की तरफ चलता हूँ और इसके बाहर से गेट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अब मैं गेट नंबर 2 की तरफ आगे चल रहा हूँ, गेट नंबर 2 से अब दिखाता हूँ आपको गेट नंबर 2 पर क्या होता है। तो मैं आगे चलता हूँ गेट नंबर 2 की तरफ दोस्तों, ये मैं निकल आया हूँ, अब मैं गेट नंबर 2 की तरफ चल रहा हूँ। अब हम गेट नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, गेट नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पे PGI की तर्ज पे यहाँ पे एक HRF विभाग भी बनाया गया है, जो कि HRF विभाग में क्या है, मरीजों को सीधा उनके बेड पर दवा मिलेगी, HRF विभाग में ये होता है। अब मैं गेट नंबर 2 से मुड़ा हूँ, देखिए मैं गेट नंबर 2 की तरफ अभी आगे पहुँच रहा हूँ आपके पास। तो मैं HRF के बारे में बता रहा था, HRF में क्या होता है, HRF डिपार्टमेंट की तरफ से सीधा बेड पर मरीजों को दवा मिलेगी। और अभी मैं दिखा रहा हूँ गेट नंबर 2, ये बंद रहता है फिलहाल, इमरजेंसी पर ही खुलता है। और आप देख सकते हैं मैं गेट नंबर 2 का ये एंट्री पॉइंट, ये देखिए सामने गेट नंबर 2 का एंट्री पॉइंट था ये। यहाँ पर भी नंबर वैसे ही लगता है जैसे मैंने 3 पे बताया, 3 काउंटर होते हैं, आप यहाँ पर भी सुबह आ करके आप अपना नंबर यहाँ से भी सुबह लगा सकते हैं। और मैं गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा हूँ, अब गेट नंबर 1 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ दोस्तों।
तो गेट नंबर एक की तरफ मैं पहुंचूंगा। देखिए गेट नंबर एक की तरफ से आगे मैं हो रहा हूं, देखिए वही जहां से मैंने एंट्री अभी शुरुआत किया था वीडियो का, एक पे ही मैं खड़ा था। देखिए अच्छा यहां का पार्किंग बना हुआ है, बेहतरीन पार्किंग है। देखिए गाड़ियां अपने पार्किंग में खड़ी, ये देखिए पूरी बिल्डिंग अभी इसी इंस्टीट्यूट है। और आप देख सकते हैं मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी अंदर का मैंने भी आपको दिखा दिया है, बाहर का पूरा दिखा दिया है, आप कैसे कहाँ गाड़ी पार कर सकते हैं, क्या है आप देख सकते हैं। देखिए अब यहीं से मैंने एंट्री किया था। अब देखिए मेरे ठीक सामने आप अगर जाएंगे, देखिए मेरे सामने ठीक देखिए पार्किंग का एक गार्ड का रूम बना हुआ है। ठीक सामने आप लोहिया हॉस्पिटल पुराने लोहिया की तरफ जाना है अगर आपको, तो पुराने लोहिया की तरफ आप सीधा आप जा सकते हैं, पुराने लोहिया की तरफ आप अंदर से ये देखिए यहाँ बोर्ड है और जनधन दवा का केंद्र भी वो देखिए ठीक सामने था मेरे। और अब देखिए बाहर का रास्ता मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से मैं बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं गेट नंबर एक से बाहर की तरफ चला हूँ, दाएं तरफ अगर आप जाएंगे तो हजरतगंज 1090 पलटिंग चौराहा इधर आप जा सकते हैं, और बाएं तरफ चिनाहट हाई कोर्ट सहारा हॉस्पिटल या फैजाबाद रोड की तरफ आप बाएं की तरफ जाएंगे तो आप इधर से आप जा सकते हैं यहाँ से निकलने के बाद में आप दोस्तों। तो अब मैं ये देखिए राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, आप आएंगे अगर पीछे की तरफ से तो आपको ये सामने ही दिख जाएगा। और मैं चलता हूँ पुराने भवन की तरफ, आपको दिखाता हूँ पुराना लोहिया हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी दिन जो सबसे पहले इस संस्थान इंस्टीट्यूट से पहले उसकी स्थापना हुई थी। तो मैं बढ़ता हूँ पुराने लोहिया हॉस्पिटल की तरफ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल करके पुराने लोहिया। तो पुराने लोहिया की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, यह इसका गेट नंबर 1 का एंट्री पॉइंट था, ये पुराने नए लोहिया का। अब मैं गेट पुराने लोहिया की तरफ बढ़ गया हूँ दोस्तों, तो अब मैं पुराने लोहिया की तरफ आऊँ दोस्तों। यहाँ से पुराना लोहिया अस्पताल मेरे ठीक सामने है और इंस्टीट्यूट का भी रास्ता है, देखिए नीले चैम्बर के नीचे से गया है। देखिए कैंटीन भी है, लोहिया जी की मूर्ति लगी है सामने और कैंटीन भी है। मैं बता दूं अब लोहिया हॉस्पिटल दोस्तों, मैं बताया था एचआरएफ का हॉस्पिटल रिवॉल्विंग सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू हो गया है, जिसमें क्या है कि स्टोर से सीधे मरीज के बेड पर यहाँ दवाएं जाती हैं, दवाएं मिल जाएंगी सीधा मरीज के बेड में। और एचआरएफ जो है वो मैं बता दूं, एचआरएफ को 3 काउंटर हैं जिससे 24 घंटे ओपन रहते हैं। ये पुराने लोहिया मतलब इंड गेट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ आगे दोस्तों, अब मैं चलता हूँ इंड की तरफ, आपको दिखाता हूँ इंड की तरफ। ये देखिए सीधा यहाँ पे आप आराम से रात में अपना स्टे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, पार्किंग भी है यहाँ पे आराम से, काफ़ी अच्छा साफ़ सफाई का भी देखभाल रखा गया है। और मैं तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ बाहर की तरफ। थैंक यू। तो दोस्तों मैं पुराने लोहिया हॉस्पिटल में आ चुका हूँ, मैं यहाँ से अंदर से भी इंस्टीट्यूट आप जा सकते हैं जो मैंने पहले दिखाया था, अंदर से भी रास्ता है। देखिए मेरे ठीक सामने लोहिया जी की मूर्ति है और ये बहुत पहले बनाई गई थी, ये पुराना लोहिया है, इसमें कैंटीन भी देखिए लेफ्ट साइड में कैंटीन भी बनी हुई मेरे सामने। देखिए नीला चैम्बर जो इधर से आप इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं अंदर से रास्ता, ये बाहर का निकलने का एंट्री गेट है पुराने लोहिया का। अब मैं चलता हूँ आगे पुराने लोहिया की तरफ, आपको दिखाता हूँ पुराने लोहिया हॉस्पिटल की तरफ आगे का व्यू, जहाँ पे जहाँ पर्ची बनती है पुराने लोहिया में, कहाँ पर पर्ची बनती है वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मेडिकल स्टोर भी बहुत सारे हैं इस तरफ, तो मैं भी आपको आगे दिखा रहा हूँ। मैं चल रहा हूँ सीधे साइकिल ट्रैक से, तो अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए मैं ठीक सामने पहुँचा हूँ, तो अभी आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और अब इस लोहिया हॉस्पिटल मेडिसिन सर्जरी और पेडियाट्रिक्स गायनी साइक्रेटिक स्किन टीबी एंड चेस्ट के मरीजों को भी सारी सुविधाएँ हो चुकी हैं यहाँ पर। अब सारी सुविधाएँ एचआरएफ के भी 3 काउंटर हैं, एचआरएफ दोस्तों पीजीआई की हॉस्पिटल की एक वहाँ पर ये सुविधाएँ पहले से हैं, जो कि अब यहाँ पर भी लोहिया हॉस्पिटल। अब मैं आ गया हूँ देखिए ये इंड की तरफ, पुराने लोहिया के गेट के बाहर जाने के रास्ते के, लेकिन जहाँ पे पर्ची बनती है पर्ची काउंटर है। देखिए भारतीय प्रधानमंत्री जी का जन औषधि केंद्र का भी यहाँ पर बना हुआ है, और ठीक मेरे सामने देखें ये जहाँ पर पर्ची बनती है ये काउंटर है पर्चियों का। देखिए गार्ड बैठे हुए हैं, मैं बाहर की तरफ चल रहा हूँ। देखिए मेरे सामने ठीक एम्बुलेंस 24 आवर्स के लिए एम्बुलेंस भी यहाँ खड़ी रहती हैं, 24 आवर्स के लिए एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहती है। मैं ठीक बाहर की तरफ चल रहा हूँ। बाहर निकलने के बाद दोस्तों अगर आप बाहर निकलते हैं पुराने लोहिया से, दाहिनी तरफ जाएंगे पॉलिटेक्निक चौराहे की तरफ आप पहुँच जाएंगे, और बाएँ तरफ जाएंगे तो हजरतगंज और चिनाहट इधर से भी रास्ता है सारी तरफ। देखिए बस मेरी जा रही दाहिनी तरफ, भाई साहब जा रहे हैं तो देखिए ये पॉलिटेक्निक जा सकते हैं या कहीं भी इस तरफ जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेडिकल स्टोर का पूरा भंडार है यहाँ पर दोस्तों, बहुत सारे मेडिकल स्टोर आपको मिल जाएंगे, तमाम फार्मेसी की दुकान मिल जाएंगी। देखिए पुराने लोहिया का गेट है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर मेरे सामने देखिए, तमाम विशाल मेडिकल, तमाम देखिए रॉयल मेडिकल, और भी देखिए तमाम बहुत सारे मेडिकल स्टोर, यहाँ से आप दवा परचेज कर सकते हैं पुराने लोहिया की तरफ से। आप नए में अगर एडमिट हैं इंस्टीट्यूट में तब भी दवा आपको लेने इधर ही आना पड़ेगा, सारी दवाएँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करना, और आप मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो और ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग भी मैं दिखाऊंगा अपना, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं आ गया हूँ मेन रोड पर, और दाहिनी तरफ मैं अगर चाहूँ तो गोमती नगर और इधर 1090 की तरफ जा सकता हूँ दाहिनी तरफ, और बाएं तरफ अगर चिन्हट और हाईकोर्ट की तरफ, तो मैं दाहिनी तरफ मुझे जाना है तो मैं दाहिनी तरफ चल रहा हूँ दोस्तों। और मैं दिखा दूँ गोमती नगर भूति खंड, ये गोमती नगर में लोहिया हाइड्रो पास में एल्डिको की भी ऑफिस है, एक बहुत बड़ी, इसमें स्विगी की ऑफिस है। स्विगी जो इस समय कस्टमर जो आप लोगों को खाना लाते हैं, आप ऑर्डर करते हैं तो वो लोग खाना लाते हैं, तो उन लोगों की ऑफिस भी स्विगी की यहाँ पे है, तो जो कि मेरे ठीक सामने, ये प्लाजा के सामने ठीक सामने। देखिए अभी ये ऊपर ओवर ब्रिज चढ़ने का रास्ता आता है, अगर ऊपर आप ओवर ब्रिज चढ़कर जाते हैं, ऊपर ओवर ब्रिज के नीचे से जाते हैं तो आप सीधा लोही उधर 1090 की तरफ निकल सकते हैं। और वो भी से जो गाड़ियाँ आ रही हैं सीधा, देखिए उधर 1090 की तरफ से आ रही हैं गाड़ियाँ, सारी ये गाड़ियाँ देखिए सामने, ये देखिए एल्डिको, इसमें ये देखिए इसमें स्विगी की ऑफिस है, स्विगी जोमेटो की सारी ऑफिस इसी में है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।